नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके जीवन, उनके सिद्धांतों और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आपको बता दूं, यह वैदिक धर्म के समय पर लौटने की बात नहीं करते थे, यह वैदिक धर्म के कर्म कांडों की बात नहीं करते थे, यह वैदिक धर्म के सिद्धांतों को अपनाने की बात करते थे। इसलिए यह बहुत ज़्यादा आधुनिक थे और प्राचीन संस्कृति को अपनाने की बात करते थे। जो आर्य समाज के लोग थे, या मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने पुराणों का खंडन किया क्योंकि ये वेदों में ज़्यादा विश्वास करते थे। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 से 1883 इनका जीवन काल रहा और इनके बचपन का नाम जो था वह मूल शंकर था। दोस्तों, इनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्ष यानी कि 1845 से 1860 तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 में बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से शिफ्ट करके लाहौर कर दिया। दयानंद सरस्वती के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। और इस पुस्तक में उन्होंने एक नारा दिया। इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती की परिकल्पना में जाति रहित एक वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक जाति से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की कल्पना सर्व प्रमुख थी। इनकी कल्पनाएं क्या थी, या फिर आर्य समाज के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? तो उसके उद्देश्य थे एक ऐसा समाज जहाँ पर जाति के आधार पर विभाजन न हो, जहाँ पर जाति पात न हो और जहाँ पर वर्ग रहित समाज हो, जहाँ पर ऊंच नीच ना हो, कोई ज़्यादा निम्न ना हो, कोई ज़्यादा उच्च ना हो, और राष्ट्रीयता सभी के मन में हो, सामाजिक और धार्मिक विचार सभी के मन में हो, और इन सभी से मिलकर एक ऐसा राष्ट्र जो दासता से मुक्त हो यानी कि अंग्रेजों से मुक्त हो और संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना हो, ऐसे उद्देश्य आर्य समाज के संस्थापक के थे। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है। उन्होंने उन विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों को अनुकूल नहीं मानते थे। साथ ही स्वामी दयानंद ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने जो वेदांत की शिक्षा ग्रहण की वह मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की। यानी उनके गुरु कौन थे? तो मथुरा के एक यानी कि जो दृष्टिहीन गुरु थे वे थे स्वामी विरजानंद। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया और उनके अनुसार धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि एक तर्क रहित तर्कपूर्ण जो धर्म है वह बेहतर होता है, क्योंकि जो वेद होते हैं वह तर्क के साथ बात करते हैं, जबकि जो आने वाले और ग्रंथ रहे, वे पुराण हो या फिर अलग अलग ग्रंथ हो, वे तर्क रहित बात करते हैं। यानी कि जो कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनमें कोई तर्क या लॉजिक होता नहीं है। तो इन्होंने इस तरह के अतार्किक बातों को ठुकरा दिया और वेदों को माना, क्योंकि वेद तर्क के साथ बात करते हैं। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। वे मानते थे कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जो पुराण लिखे गए या अन्य ग्रंथ लिखे गए, ये कुल मिलाकर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता दिखाने के लिए लिखे गए और उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए लिखे गए, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने वेदों पर ज़्यादा विश्वास दिखाया। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीज़ों में विश्वास
जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुराणों के श्राद्ध, पुरोहितों के श्राद्ध यानी कि भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की। यानी कि इतने इनके समय में जितने भी कर्मकांड चल रहे थे, जितने भी कुप्रथाएं चल रही थी, उन सभी का विरोध दयानंद सरस्वती ने की। पुरोहितों के श्राद्ध से मतलब कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनका श्राद्ध करवाया जाता था, पिंडदान वगैरह, और फिर पुरोहितों को भोजन खिलाया जाता था और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता था। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मर गया वो तो मर गया, हम क्यों पुरोहितों पर पैसे खर्च करें। और वैसे भी दयानंद सरस्वती आत्मा को अमर मानते थे और वे कहते थे कि जब आत्मा अमर है तो आप किस बात की मुक्ति उन्हें दे रहे हो, क्योंकि वो तो मुक्त होगी ही नहीं, वो अमर है और आप बिना फालतू में श्राद्ध करवा के उन्हें मुक्ति दे रहे हो, ये केवल एक प्रकार का ढोंग है और पुरोहितों की रची साजिशें हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों की जो आयु है वह 16 वर्ष निर्धारित की। इस अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा संज्ञा दी। एक अवसर पर उन्होंने हिंदू धर्म को कैसी संज्ञा दी कि हिंदू प्रजाति बच्चों का बच्चा है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की भी वकालत की, साथ ही समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ एवं भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी इनके संगठन आर्य समाज द्वारा किया गया। आर्य समाज ने शिक्षा स्वास्थ्य को भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया यानी कि आकर्षित किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इस आंदोलन में अगर किसी दबाव या भय से कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ चुका है या उसे हिंदू धर्म से निकाल दिया गया है तो वह पुनः हिंदू धर्म में वापस आ जाए, यही शुद्धि आंदोलन था। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने ईश्वर को निराकार माना और मूर्ति पूजा को आर्य समाज नहीं मानता है। समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का कोई अवतार होता है, जबकि जो स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन है वे मानते हैं कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। इनके अनुसार राम और कृष्ण एक महापुरुष थे, ना कि कोई ईश्वर के अवतार। वे इन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं, जैसे कि और दूसरे रहे, बुद्ध रहे, जैन के महावीर स्वामी रहे, इस तरह से वो इन्हें महापुरुष मानते हैं। सभी मनुष्य उनके विचार अपना कर उनके कार्यों पर चलकर, उनके मार्ग पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने एवं पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वह निरर्थक एवं गलत है। समाज कर्म फल एवं मोक्ष में विश्वास करता है, उसके अनुसार वेद सर्वोच्च पुस्तक है और यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा एवं धार्मिक धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास है, ना कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया, यानी कि ये जो आधुनिक शिक्षा थी उसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो धार्मिक शिक्षा है उसे भी ये जरूरी मानते थे। साथ ही आर्य समाज के इन्होंने 10 सिद्धांत दिए जो इस प्रकार है। वेद ही ज्ञान के स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेद के आधार पर मंत्र पाठ करना, न कि किसी अन्य ग्रंथ के आधार पर। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध किया। कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध। ये इनके जो सिद्धांत है, अगर आप इन्हें ठीक से समझ लेते हैं तो आप आर्य समाज पर 2 या 5 नंबर के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत है उन्हें आप आसानी से
थोड़ा डिटेल में समझाकर अपने प्रश्न की जगह को काफ़ी अच्छे से भर सकते हैं। नौवा आता है कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रचार को प्रोत्साहन। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, यानी कि जो ईश्वर है हम उन्हें अपना पिता माने और जो भी मनुष्य है उन्हें हम अपना भाई माने या फिर अपने स्तर का माने। स्त्री पुरुष के बीच समानता हो, ना कि ऊपर नीचे हो। सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार, यानी कि इनके जो सिद्धांत थे ना केवल एक क्षेत्र, ना केवल एक देश, बल्कि पूरे विश्व के लिए थे। ये मानते थे कि अगर सभी एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण यानी कि थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे तो पूरा विश्व शांतिमय रहेगा और प्रगति करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रनाडे, देशबंधु इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला लाजपत राय और जो स्वामी हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे, यह हंसराज भी लाला थे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, और स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। लेकिन ये दो भागों में बट जाते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। 1893 में आर्य समाज खानपान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर दो समूहों में विभाजित हो गया। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया, और इनका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार को या तो करने के लिए ना तो कोई मना ही है और ना ही करने की कोई बात कही गई है। और इस समूह के जो नेता थे वे थे महात्मा हंसराज। दूसरे समूह के जो समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया, इस समूह को महात्मा कहा गया और इस समूह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कि ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे और गुरुकुल शिक्षा के समर्थक थे। और इन्होंने ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, यानी कि ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और मांसाहार भी यहाँ पर वर्जित नहीं था। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा उसके पश्चात एक श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया, पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि इससे पहले जो पश्चिमों के लिए भारतीयों के मन में जो जगह थी कि जो पश्चिमी होते हैं, जो यूरोपीय होते हैं, वो बहुत महान होते हैं, इस भ्रम से उन्होंने मुक्त कराया और आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियाँ सफल नहीं हो सकी। इन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम एकता का सद्भाव दिया, इसके कारण अंग्रेज हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग नहीं कर सके। हिंदू धर्म का अक्षुण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ ने जनसामान्य की अधिक जिज्ञासाओं को दूर किया। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया तथा अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के इन विचारों का निष्कर्ष यह निकलता है कि उन्होंने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही, जो कि तर्कपूर्ण थी, अज्ञानताओं से दूर थी और साथ ही कर्मकांडों या फिर अंधविश्वासों से भी दूर थी। साथ ही उन्होंने उस संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जिसमें राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया जाए, जिसमें एक सही धर्म को सिखाया जाए और विश्व बंधुत्व की बात की जाए। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके सिद्धांत। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन जीने की कला इसमें है कि हम बाद में सोचने के बजाय भविष्य की घटना को पहले ही समझने की क्षमता विकसित कर सके। आपका जो आज है वही आपका कल होगा। कुल मिलाकर आज आप जो अच्छे काम करेंगे उसका अच्छा फल भविष्य में मिलेगा, आप आज जो गलत करेंगे उसका गलत परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। और जीवन जीने की कला यही है कि आप आज बेहतर करें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।